नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों आज की भर्ती के लिए यदि आप 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आज बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है भारतीय सेना में यानी कि इंडियन आर्मी की। दोस्तों ये बड़ी भर्ती होने जा रही है और इसमें कैटेगरी के नाम है सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तथा सोल्जर ट्रेड्समैन की। दोस्तों इसमें बड़ी भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8वीं पास या 10वीं पास या 12वीं पास। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा की बात है यानी कि एज लिमिट की बात है तो इसमें 17.5 साल से 21 साल और 17.5 साल से 23 साल तक एज लिमिट है। जहाँ तक वैकेंसीज की बात है तो इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों। नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है इसका डिटेल नहीं लिखा गया दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको एज पर रूल्स दी जाएगी। दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करना। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में यानी कि क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बारे में। दोस्तों पहली कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी और दूसरी कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG। दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए दोस्तों। इसमें दोनों दिन शामिल है। जहाँ तक हाइट की बात है तो GD के लिए हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर, IDG के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। जहाँ तक वेट की बात है तो सभी कैटेगरी के लिए दोस्तों 48 kg वेट होना चाहिए कम से कम। और जहाँ तक चेस्ट की बात है तो सभी कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और इसमें दोस्तों 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों एडुकेशन की बात करें तो GD के लिए तथा IDG के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास और 10वीं में आपके 45% इन एग्रीगेट परसेंटेज होनी जरूरी है दोस्तों और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों अगली कैटेगरी है सोल्जर टेक्निकल की स्पोर्ट्स के लिए। इस कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 17.5 साल से 23 साल यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए दोस्तों। इसमें दोनों दिन शामिल है। हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 48, चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर कम से कम। जहाँ तक एडुकेशन की बात है तो इस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस में और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने जरूरी है दोस्तों। आपकी इन एग्रीगेट 50% होना जरूरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों अगली कैटेगरी है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की। इस कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 17.5 साल से 23 साल, कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए दोस्तों। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए साइंस में, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों और आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है इन एग्रीगेट और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों अगली कैटेगरी का नाम है सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस पोस्ट के लिए यानी कि इस कैटेगरी के लिए 17.5 साल से 23 साल तक एज लिमिट रखी गई दोस्तों। यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होने चाहिए, 162 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए दोस्तों। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों। किसी भी स्ट्रीम में आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपके
कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है इन एग्रीगेट, और 50% मार्क्स आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होने जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, मैथ में, अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में, और दोस्तों ये मैंडेटरी है। दोस्तों अगली कैटेगरी के नाम है सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए तथा सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए। दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों एज लिमिट है 17.5 साल से 23 साल, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों, और आपकी 10वीं में 33% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों 8वीं क्लास में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात है तो ये रैली में होगा दोस्तों। इसमें 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। ग्रुप वन में दोस्तों टाइम है 5 मिनट और 30 सेकेंड, और ग्रुप टू में टाइम है 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड। इसके साथ साथ दोस्तों बीम पुलअप्स, 9 फीट डिश और जिग जैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे दोस्तों उनका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा दोस्तों। उसका डिटेल आप नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती में आपको रैली में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों, जब आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उसके बाद आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं दोस्तों। इसका डिटेल पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है। दोस्तों इस भर्ती का लोकेशन है द कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत, और इस भर्ती के लिए आप 17 दिसंबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि इस भर्ती के लिए अप्लाई होना कल से शुरू हो चुका दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2021। और दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, बागेश्वर के लिए, नैनीताल के लिए तथा उधम सिंह नगर के लिए दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है, और इसकी डेट है 24 फरवरी 2021 से लेके 10 मार्च 2021। और इसका जो वेन्यू है दोस्तों द कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत है। और दोस्तों जहाँ तक एडमिट कार्ड्स की बात है तो एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा दोस्तों, आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए डेट है 8 फरवरी 2021 से लेके 14 फरवरी 2021। इन डेट्स में दोस्तों आपको अपना ईमेल चेक करते रहना है। दोस्तों इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट https://joinindianarmy.nic इन पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों, और इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। आप लिंक वहाँ से ओपन करके पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का 100 डिटेल, यानी केस आप इस भर्ती में से किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।